नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी यूट्यूब वीडियोस में इन्फो कार्ड्स लगा सकते हैं यूट्यूब स्टूडियो पीटा का यूज करके। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल में किसी भी ब्राउजर का यूज करके यूट्यूब ओपन कर लेना है। देन आपको सिंपल अपने यूट्यूब अकाउंट के अंदर साइन इन हो जाना है। जब आप अपने यूट्यूब अकाउंट के अंदर साइन इन हो जाएंगे, उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ अपने चैनल का लोगो शो हो रहा होगा। आपको गाइस अपने इस चैनल के लोगो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपको योर चैनल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पे योर चैनल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। देन गाइस यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कस्टमाइज चैनल, एंड जो सेकंड ऑप्शन है वो है यूट्यूब स्टूडियो बीटा का। गाइस आपको यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो बीटा के इस ऑप्शन के ऊपर सिंपल क्लिक कर लेना है। जैसे ही गाइस आप यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो बीटा के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, देन आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज के ऊपर। सो गाइस, जब ये पेज आपके पीसी, आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा, तो यहां पे दोस्तों आपका यूट्यूब स्टूडियो बीटा ओपन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वीडियो का ऑप्शन शो हो रहा होगा। आपको सिंपल इस वीडियो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही गाइस आप यहाँ पे वीडियो के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, आपने अपने चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रखी होंगी, वो सभी वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो गाइस, अब आपको इतनी सारी वीडियोस में से अपनी उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस भी वीडियो पे आप इन्फो कार्ड्स लगाना चाहते हैं। सो गाइस, मैं भी अपनी उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं। गाइस, मैं अपनी इस वाली वीडियो के ऊपर इन्फो कार्ड्स लगाना चाहता हूं। तो जिस भी वीडियो के ऊपर आप इन्फो कार्ड्स लगाना चाहते हैं अपनी, उस वीडियो के टाइटल के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप अपनी उस वीडियो के टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस अपने पीसी की स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। और गाइस, अब आप यहां पे देख सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, बट मैं आपको सिर्फ आपके काम का ऑप्शन बताता हूं। वो ये कि आपको यहां पे राइट हैंड साइड में आना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहां पे आपको ऑप्शन शो होगा कार्ड्स का। आप जैसे दोस्तों इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा एक नेक्स्ट टैब पे। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा इन्फो कार्ड्स लगाने का अपनी यूट्यूब वीडियो पे। सो गाइस, आप यहां पे बहुत ही आसानी से इन्फो कार्ड्स लगा सकते हैं। यहां पे आप अपनी वीडियोस को प्ले कर सकते हैं, और अपनी टाइमलाइन के हिसाब से जिस भी सेकंड पे या जिस भी मिनट में आप इन्फो कार्ड्स लगाना चाहते हैं, आप उस मिनट पे, उस टाइम पे इन्फो कार्ड्स लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक मिनट पे इन्फो कार्ड लगाना चाहते हैं, तो यहां पे आपने एक मिनट पे लिया है टाइमलाइन को, और अब आपने यहां पे ऐड कार्ड के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। यहां पे आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि वीडियो और प्लेलिस्ट का, चैनल का, पोल का, लिंक का। आप यहां पे किसी वीडियो और प्लेलिस्ट को लगा सकते हैं, किसी चैनल को प्रमोट करने के लिए उसका लिंक यहां पे लगा सकते हैं। अगर आप कोई पोल लगाना चाहते हैं, अपनी ऑडियंस से कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट का, किसी एप्लीकेशन का लिंक लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां पे लगा सकते हैं। फिलहाल यहां पे दोस्तों मैं एक वीडियो को सेट कर देता हूं। तो अगर आप किसी वीडियो या किसी प्लेलिस्ट को लगाना चाहते हैं, तो आपको सिंपल क्रिएट के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही गाइस आप यहां पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको दो ऑप्शन शो हो जाएंगे। सबसे पहला है अपलोड, और जो सेकंड ऑप्शन है वो है प्लेलिस्ट। सो गाइस, अगर आप कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे अपनी ये वाली वीडियो सिलेक्ट करता हूँ, सिंपल इसको ऊपर क्लिक करके उसके बाद क्रिएट कार्ड के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, अब आप देखेंगे कि मेरी ये वाली वीडियो यहाँ पे इतने मिनट पे सेट हो जाएगी। एक मिनट पे मेरी ये वाला जो कार्ड है वो यहाँ पे लग चुका है। अगर आप दूसरा कार्ड लगाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे आगे टाइमलाइन पे ले जा सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट 40 सेकंड पे, और उसके बाद अपना दूसरा कार्ड लगा सकते हैं। ऐड कार्ड के ऑप्शन के ऊपर दोबारा से क्लिक करिए, वीडियो और प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए, क्रिएट इस ऑप्शन के ऊपर अगेन क्लिक करिए, और यहां पे आपको वही सेम ऑप्शन दोबारा से मिल जाएंगे अपलोड्स का और प्लेलिस्ट का। अगर आप कोई प्लेलिस्ट लगाना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करिए। अब आपके चैनल पे जितनी भी प्लेलिस्ट आपने क्रिएट कर रखी होंगी, वो सभी की सभी आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगी। और गाइस, अगर आप नहीं जानते हैं प्लेलिस्ट क्रिएट करना, तो उसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको मैं अपने इस वीडियो में ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके गाइस, और अगर आप अपनी कोई स्पेसिफिक वीडियो लगाना चाहते हैं, जो कि आपको ना प्लेलिस्ट के अंदर मिल रही है, ना अपलोड्स के अंदर शो हो रही है, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं, चलिए वो भी मैं आपको अभी के अभी बता देता हूं। सो गाइस, देखिए यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, जहां पे आप कोई भी URL पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी किसी भी वीडियो का, किसी भी प्लेलिस्ट का। तो वो आप कैसे करेंगे, देखिए यहां पे मैं आ चुका हूं अपने चैनल पे, यहां पे मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सब मुझको शो हो रही है। आप
जो भी वीडियो वहां पे लगाना चाहते हैं, जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे Redmi Note 5 के IP की 360 कवर की अनबॉक्सिंग की वीडियो वहां पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इसका कॉपी लिंक कर लूंगा। ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस मैंने यहाँ पे किया, उसके बाद मैंने उस लिंक को जो मैंने लिंक वहां से कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और क्रिएट कार्ड के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो वो जो मेरी वीडियो है वो यहाँ पे मेरी लग जाएगी। आप देख सकते हैं लग चुकी है Redmi Note 5 1 मिनट 40 सेकंड पर। अब जो मैं अपना नेक्स्ट कार्ड लगाना चाहता हूँ वो आगे लगा सकता हूँ। सो गाइस, इस तरीके से आप अपनी YouTube वीडियोस पे कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 ही कार्ड्स लगा सकते हैं। और एक चीज और बता दूं कि जब आप अपने कार्ड्स लगा लें तो आप एक चीज ये चेक जरूर कर लीजिएगा कि वो जो आपके चेंजेस हैं वो सबके सब सेव हो चुके हैं या नहीं हो चुके। आप यहाँ पे देख लीजिएगा ऑल चेंजेस सेव लिखा हुआ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। सो गाइस, जब आपके सारे चेंजेस सेव्ड हो जाए देन आप यहाँ पे देखिए आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन शो हो रहा होगा रिटर्न टू YouTube स्टूडियो का। आप सिंपल जब इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सिंपल YouTube स्टूडियो के ऊपर वापस पहुंच जाएंगे। सो गाइस, आप इतने ही सिंपल तरीके से YouTube स्टूडियो बीटा का यूज करके अपनी YouTube वीडियोस में इन्फो कार्ड्स लगा सकते हैं। एंड गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज कहीं भी समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को रिमाइंड करिए, दोबारा से ध्यान से देखिए और सुनिए, यकीनन आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन टेक एजुकेशन।